आजादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा जागरूकता को लेकर जिला जज तेज प्रताप तिवारी के नेतृत्व में दीवानी न्यायालय से प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, एनसीसी, स्काउट गाइड और एडी स्कूल की छात्राओं ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर प्रभात फेरी में भाग लिया तथा छात्राओं ने लोगों से अपील किया कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं, जिसके संबंध में जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि पूरा देश आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मना रहा है। इस महोत्सव में पूरा देश एकजुट हो गया है और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा एवं देशभक्ति प्रदर्शित कर रहा है और आने वाला 15 अगस्त भारत एक नया कीर्तिमान करेगा तथा आगे भी सभी ऊंचाइयों को छुएंगे। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य अधिकारी एवं न्यायाधीश मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने कहा, मैंने कहा था कि हाई कोर्ट वाले ही हेलो बेस और ये क्या है क्या डीएम साहब आ गए मैं यहां से नहीं जैसा कि आपको पता है आज़ादी के 75वें वर्ष में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरा देश एकजुट हो गया है और आप जोश देख सकते हैं बच्चों में, ये राष्ट्र के प्रति इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति, इनकी निष्ठा प्रदर्शित कर रहा है। मेरे पूरे देशवासियों को शुभकामना है कि आने वाला हमारा 15 अगस्त भारत एक नया कीर्तिमान करेगा और आगे भी हम सभी ऊंचाइयों को छुएंगे। सर, हर घर तिरंगा को लेकर नागरिकों से अपील करना, आपको पता है ये भारत सरकार ने ये हर घर तिरंगा का जो स्लोगन दिया है, तो मैं भी अपील करता हूँ कम से कम गोरखपुर वासियों से कि देश के प्रति यह एक ऐसा अवसर है, इसको राष्ट्रीय उत्सव समझकर सभी एकजुट होकर के कुछ ऐसा अच्छा करें, पूरे संसार को एक अच्छा मैसेज जाए।